मैं तो बहुत अभी तो नर्वस हूँ बिकॉज मैं कभी गई नहीं हूँ. बहुत टाइम के बाद आई एम गोइंग टू डू समथिंग लाइक दिस. बट आई एम श्योर इनको तो अभी आदत सी हो गई होगी. पर KBC बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एंड जब हमारी फिल्म रिलीज होती है देन इट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी कि हम फिल्म को प्रमोट कर सकें, यू नो, इस मंच पर आ सके. वी ऑल्सो यूजली प्ले फॉर अ कॉज वेयर द विनिंग्स गो टू दैट सर्टेन चैरिटी फाउंडेशन. एंड ऑफकोर्स अमित जी के साथ इंटरेक्शन करने का बहुत लोगों को मौका नहीं मिलता, तो ये ऐसा मंच है जहाँ हम अमित जी के साथ बात भी कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनको थोड़ा बहुत एज एन एक्टर कॉपी भी कर सकते हैं इसके बाद. तो रियली एक्साइटेड. ये मेरा आई थिंक तीसरी बार है. पिछले दो बार मैं 25 लाख जीत कर गया था, तो आज उम्मीद रखता हूँ कि 7 करोड़ जीत के जाऊँ. मैं साथ में हूँ इसलिए. पता नहीं, देखेंगे कैसा माहौल होगा. अगर कुछ हुआ तो मे बी आई एम नॉट टू श्योर. 7 करोड़ जीत जाते हैं आप तो क्या करेंगे हम भी? पर जैसे मैंने कहा था, एक चैरिटी फाउंडेशन है, हम उसको जो विनिंग्स वहाँ डोनेट करेंगे. बट आई थिंक उससे ज़्यादा वी जस्ट रियली हैप्पी टू बी ऑन द शो. वी रियली हैप्पी टू इंटरेक्ट विद मिस्टर बच्चन एंड बी ऑन सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म लाइक कौन बनेगा करोड़पति. बट अच्छा है, इसको अलग अलग कैरेक्टर्स करने चाहिए एंड इट्स गुड फॉर एन एक्टर. कभी रॉक स्टार भी करता है, बर्फी भी करता है, बेशरम भी है. सो इट्स गुड फॉर द एक्टर आई थिंक. और मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि मेरा बेटा कितना अच्छा काम कर रहा है. पापा एक्चुअली शूटिंग कर रहे हैं लेकिन वो हमारे फोन फ्रेंड है, तो अगर हमें पड़ रहे हैं तो हम उन्हें फ़ोन करेंगे, वो हम शायद हमारी मदद करेंगे. बट मैं, मम्मी और पापा झलक दिखलाजा पे गए थे, वहाँ बहुत मज़ा आया. एंड दिस इज़ ऑफकोर्स आर सेकेंड प्रमोशनल प्लान फॉर द फिल्म बेशरम. इतनी खलनायक हूँ कि मैंने उस हद तक की है. बट आई गेस जो मेरी पहली फिल्म में मैंने टावल गिरा दिया था, उससे ज़्यादा बेशर्मी नहीं हो सकती. बट इस फिल्म में भी काफ़ी बेशर्मी की है. और ये फिल्म का जो बेशरम जो टाइटल है, हम एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट दिखाना चाहते हैं. बेशरम मतलब नहीं कि आप लोगों को एम्बेरस करो या यू नो एक हद पार कर करो. आई थिंक बेशरम एक एटीट्यूड है कि यू नो आप दुनिया से डरो मत, जो सही है या गलत है, जो आप समझते हो सही या गलत है उसको पकड़ के चलो. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर रियली ट्राइंग टू सेव द मूवी. वेल इट्स एक्सपेंसिव, लेकिन मैं हमेशा से ये मानता हूँ डिप्रेशन हो या रिप्रेशन आपके हिंदुस्तान में, बट लोग हमेशा एंटरटेनमेंट चाहिए उनको. यू नो दे वांट टू गो टू द सिनेमाज, वॉच अ गुड मूवी. तो आई डोंट थिंक अब्रॉड जाने से एक फिल्म अच्छी बनती है. आप एक अच्छी कहानी बनाओ, यू नो मुंबई में ही बना दो, गो टू प्लेसेस इन इंडिया, बहुत अच्छी कहानी बन सकती है. सो इट डिपेंड्स स्टोरी टू स्टोरी. अगर एक कहानी चाहती है कि आप अमेरिका जाओ और शूट करो, देन यू हैव टू गो. बट ऑफकोर्स अभी जो अभी हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए यू हैव टू बी लिटिल सेंसिटिव टुवर्ड्स इट एंड जस्ट होप के आवर इकॉनमी रेजेस. थैंक यू.